पश्चिम बंगाल में दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुर्शिदाबाद जाते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को नवग्राम के पास दंगाइयों की भीड़ ने घेर लिया। उनकी गाड़ी के दोनों तरफ भीड़ जमा हो गई। भीड़ से घिरे विजयवर्गीय ने एसपी और डीजी को भी फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजक सरकार के रहते कुछ भी हो सकता है, यहाँ किसी की जान सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पश्चिम बंगाल में भीड़ से घिर गए। लोग उन पर अटैक करना चाहते थे। जैसे तैसे विजयवर्गीय के सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने की कोशिश में लगे रहे। इस दौरान भीड़ से घिरे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे भीड़ ने घेर लिया है, एसपी और डीजी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जाते हुए मुझे नवग्राम के पास मुस्लिमों की बड़ी भीड़ ने घेर लिया है। मेरी गाड़ी के दोनों तरफ भीड़ जमा है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, एसपी और डीजी भी फोन नहीं उठा रहे। पश्चिम बंगाल में अराजक सरकार के रहते कुछ भी हो सकता है, यहाँ किसी की जान सुरक्षित नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।